हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हो गया है अगला दिन और आज है छुट्टी का दिन। आज है सैटरडे, तो बस हम लोग सोकर उठ गए हैं। साजिद जी तो आज क्रिकेट खेलने गए हैं, मैं और माई घर पे हैं। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, फिर उसकी बैडमिंटन क्लासेस हैं, हमें उसको वहाँ लेके जाना है। तो बस दिन शुरू हो गया है, दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, माहिरा को तो मैं छोड़ के आ गई बैडमिंटन के लिए, बट मैं अभी सोच रही हूँ ना उसका थोड़ा सा बुक्स वगैरह देख लूँ और उसके लिए वर्कशीट्स बना के रेडी रख दूँ, ताकि जब वो आए फ्रेश हो ले, नहा वहा ले, कुछ खा ले और डायरेक्ट पढ़ने पे बैठ जाए। क्योंकि जब तक मैं वर्कशीट बनाती रहती हूँ ना, वो मस्त टाइम पास करती रहती है और फिर उधर उधर उसका टाइम बहुत ख़राब होता है। तो मैं पहले से ही वर्कशीट्स बना के रख देती हूँ, सो दैट वो आए अपना फ्रेशन अप होकर के अपने काम पर लग जाए, तो टाइम भी सेव होगा, प्लस मैं उसको ज़्यादा भी पढ़ा पाऊँगी। 2 दिन की छुट्टी है, अच्छे से यूटिलाइज़ करनी है, ताकि तैयारियाँ बिल्कुल टाइम से होती नहीं। वैसे इस बार एग्ज़ाम्स में काफ़ी गैप है, 1-2 एग्ज़ाम में 2-2 दिन का भी गैप है, लेकिन फिर वो 2 दिन बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं जब तैयारी नहीं होती है। तो दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फिर वो खेल वेल भी नहीं हो पाता, गार्डन भी नहीं जा पाती। तो मैं सोच रही थी इस बार थोड़ा 1-1 घंटे गार्डन भी निकलने के लिए उसको टाइम रहे और मेरा भी माइंड थोड़ा रिलैक्स रहेगा, पहले से तैयारी होगी, तो हम राइटिंग पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाती है बच्चों की। तो बस फिर वही कर रहे हैं अभी हम। मायरू, नहा लिया? नहा लिया? दिखाओ अपना निक्कू निक्कू मुंह, जाओ कोम्ब कर लो। क्या हो रहा है मायरू? ओए क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो टीवी पे? मंकीज पोगो? चलो खाना खाएं, भूख को लगी है कि नहीं? ओके। तो फ्रेंड्स, आज खाने में बनाया है मटन, आलू मटन, यम यम, और रोटी। यस। और मैंने रख दिए हैं गुलाब जामुन गरम होने के लिए, खाना खा लें फिर गुलाब जामुन खाते हैं। 2 hours later। चलो लिफ्ट आ गई। आप ये सोचोगे क्या लगाया है माही ने, लिपस्टिक। एक्चुअली नहीं, लिपस्टिक नहीं है, लिप बाम। ये इतना रेड हो रहा है कल ही। हाँ, कल नीचे जा रहे हैं अभी माहिरा की डांस प्रैक्टिस के लिए। क्या कर रहे हो पुंगू? साजिद जी क्या कर रहे हो? देख रहे हैं यार, किसी कार्ड में ऑफर ही नहीं है, सिर्फ लिख के रखा है डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल। और हम अपने ही व्लॉग देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं फाइटर मूवी देखने, वो भी 3D में। ये सो मायरू, अभी आपको समझा 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी के कॉइन भी होते हैं और 10 रुपी का नोट भी होता है, ठीक है? और 20 का भी होता है। और पैसे 50 पैसे और 25 पैसे। अभी 25 पैसे नहीं चलते हैं, 50 पैसे भी नहीं चलते हैं मोस्टली, बट हमारे पास है, हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास पुराने रखे हुए हैं। समझ में आया? सो फ्रेंड्स, हो गया है टाइम मूवी का और बस मैं मायरा की जैकेट भूल गई थी, तो मैं जैकेट लेकर के आ गई हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। देखते हैं, फिर आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं कि मूवी कैसी थी। मैंने तो अच्छे रिव्यू सुने हैं, तो इसलिए मैंने 3D में भी बुक किया है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। पॉपकॉर्न ले लिया है, कैरमल हम सबका फेवरेट। अब बस मैं मायरा की सीट ले लूँ, फिर चलते हैं। थैंक यू सो मच। भाई घर आ गए, आ जाओ। आ गए फ्रेंड्स घर, बहुत रात हो गई है, कपड़े चेंज करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मायरू तो सो गई। सो फ्रेंड्स, रिव्यू टाइम। फाइटर मूवी वाज एन ऑसम मूवी, बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी एक्टिंग है और एक्शन तो ज़बरदस्त है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत सारी फाइटिंग की मूवी आपने देखी है जिसमें एक से बढ़िया एक एक्शन होते हैं, लेकिन ये सारे एक्शंस हवा में हो रहे हैं, फाइटर प्लेन्स में हो रहे हैं। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था, हमने 3D में शो बुक किया था और बहुत मज़ा आया, पैसा वसूल एंड क्या बोलते हैं, तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस थी।
मैं तो दोबारा ज़रूर देखना चाहूँगी, नेटफ्लिक्स पे आएगी तो मैं डेफिनेटली दोबारा देखने वाली हूँ। आई एम रियली वेटिंग कि नेटफ्लिक्स पे जल्दी आ जाए। सबको मज़ा आया, माहिरा को भी बहुत मज़ा आया, साजिद जी को भी बहुत पसंद आई। सो बहुत अच्छी मूवी थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ऋतिक रोशन का कमबैक बहुत अच्छा हुआ है, दीपिका, अनिल और करण ग्रोवर और एक दो और एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सो जस्ट गो एंड एन्जॉय। और फ्रेंड्स अभी हो गई है रात और मैं तो चली सोने, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, कंबल उठ के सोने में बड़ा ही मज़ा आता है। ये व्लॉग कल भी कंटिन्यू रहेगा तो हम लोग आपसे मिलते हैं कल। The next day. Good morning friends, हो गई है सुबह और यहाँ बन रहा है नाश्ता, पराठे और मैंने चढ़ा दिए चाय। चलिए फटाफट बना लेते हैं, नाश्ता करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। पत्थर से देने आए हो? नहीं, धोखे का जवाब। इनकमिंग मिसाइल। बदले से हमने सुसाइड अटैक किया, उन्होंने स्ट्राइक। कैसी लगी मूवी कल? बस गुड, ऋतिक की एक्टिंग, अनिल कपूर, दीपिका, वेरी गुड। वो पॉज करिए ना, और जो एक्शन था 3D में वो देखना और आईमैक्स का 3D जो साउंड के साथ जबरदस्त फील दे रहा था, मजा आ गया। साजिद जी को जनरली मूवीज पसंद नहीं आती हैं बहुत, बट ये वाली मूवी उनको जनरली पसंद आई है ना। Mayuru, what about you? Don't ask me. इतना अच्छा था वो मूवी कि वो जैसे जेट फेंक रहा था फायर क्रैकर, तो जब वो ऊपर जाके नीचे से, मतलब नीचे जाके ऊपर से टर्न मारा और वो रेड नोज सीधा बॉम्ब में घुस गया और उसके ऊपर ही बॉम्ब हो गया। तुम्हारे को बहुत मजा आया। कितना रह गया बेटा? 2 ही पेज हैं, चलो फटाफट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी मैं आ गई हूँ पार्लर बहुत टाइम बाद, थोड़ा सा अपना खुलिया ठीक कराने, कुछ सर्विसेज हैं जो लेनी थी तो मैं आ गई हूँ लैक में। अंदर चलते हैं और सर्विसेज अवेल करते हैं। सो बस फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। घर जा कर के माहिरा को पिक करने के बाद उसे खिला पिला के थोड़ा बहुत पढ़ाया और फिर हम लोग सो गए। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।